हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस एंड यहां पे आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि है 15 मार्क्स का। यहां पे जितने भी टॉपिक्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से मैं यही कोशिश करूंगा बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करने की। अगर आपको कभी कभार कहीं पे समझ नहीं आती है वीडियो को दो या तीन बार रिपीट जरूर कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। आपने क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको इन क्लासेस की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी एंड अगर आपको कोई डाउट पूछना हो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप पूछ सकते हो। मैं यही कोशिश करूंगा आपका कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है, वो है होल नंबर्स। नाउ होल नंबर्स पार्ट है नंबर सिस्टम का, तो थोड़ा सा हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। उसके बाद जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, होल नंबर्स पे। नाउ जब हम किसी भी नंबर की बात करते हैं वो नंबर हमारे पास या तो रियल नंबर होता है या वो इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 0, 1, 2, 3, ये हमारे पास आ गया -1, -2, -3। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर्स हैं और वो भी रियल नंबर्स। जब यहां पे हमारे पास रूट लगेगा, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं यहां पे हमारे पास रूट लगेगा, ये हमारे पास बन जाएंगे इमेजिनरी नंबर्स। जो हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं इनके ऊपर जब रूट लगता है वो हमारे पास क्या बनते हैं, वो हमारे पास बनते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, और इनको हम, जैसे हमारे पास है -√2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं आयोटा। जब हम माइनस को बाहर निकालते हैं हम लिखते हैं आयोटा और फिर √2। ठीक है, आयोटा √2 या अंडर रूट -2 होगा, दोनों जो है एक ही बात है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं एज रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ओके, नाउ जब ये रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स आपस में मिलते हैं ना, हमारे पास एक और नंबर बनता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, a+iota b। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2+iota√2। ठीक है, नाउ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां हमारे पास जो 2 है ये है रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ठीक है, एंड जो हमारे पास आयोटा रूट टू है ना, ये हमारे पास क्या है, ये है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, और उसके बाद जो रियल नंबर्स है ना इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ओके, फिर रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर, जो डेसिमल में होते हैं। फिर इंटीजर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इन सारे नंबर्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपने सिर्फ याद रखना है जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स। यहां पे हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, यानी इधर से नीचे जो हमारे पास पोर्शन है इन नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जब भी हम किसी रियल नंबर की बात करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 89, ठीक है, यहां पे हम एक तो फेस वैल्यू निकालते हैं एंड सेकंड हम निकालते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, पहले हम क्या निकालते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर आपको दिख रहा है ना वो उसकी क्या आएगी, फेस वैल्यू। यानी ये जो हमारे पास 2 है, 8 और 9 है, इसकी फेस वैल्यू क्या है, इसकी फेस वैल्यू है 89,
या आपको कोई पूछेगा 7 और 1, ये मिले हुए हैं, इसकी फेस वैल्यू क्या है? इसकी फेस वैल्यू है 71, ठीक है। नाउ ये जो नंबर है ना, ये डिजिट से बना है। अब हम क्या करेंगे, उन डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? प्लेस यानी जगह और उसकी वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास 8 है। अब 8 कहां पे है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जहां पे हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लेक, 10 लेक, करोर्स एंड 10 करोर्स, ये हमारे पास क्या है, प्लेसेस हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 89 को यहां पे फिट करेंगे। अब 89 कहां पे आएगा, देखो 89, ओके। नाउ यहां पे हमारे पास जो 8 है वो टेंस पे है, यानी 8 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 8 × 10, 80, ठीक है। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, वो 80 आ गई। और 9 की प्लेस वैल्यू 9 × किसके नीचे है, वंस के नीचे, तो × 1, तो ये आ गए हमारे पास 9, ओके। इसी तरह से अगर हम कोई बड़ा नंबर लेंगे जैसे 5,987, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहां पे फिट करेंगे। अब 5,000 है तो 5, ठीक है, फिर 9, 8 एंड 7, यहां पे आपको कोई पूछे बताओ 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालोगे, देखो 9 किसके नीचे है, 100 के नीचे, तो हम लिखेंगे 9 × 100 = 900, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 900। इसी तरह से 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 × 1000 which is equal to 5,000, ठीक है। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 5,000। इसी तरह से 8 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 80, एंड 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 7 × 1, तो 7 की प्लेस वैल्यू आएगी 70, ठीक है। तो इस तरह से हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है, हम नंबर किस तरह से बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक नंबर है 89, अब इस नंबर को हमने कैसे बनाया, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टेंस है ना, यानी 8 किसकी जगह पे है, टेंस की जगह पे, तो हम लिखते हैं 8 × 10, ठीक है, प्लस 9 है वंस की जगह पे या यूनिट प्लेस पे, तो 9 × 1, ठीक है। तो 8 × 10 = 80 प्प्लस 9 × 1 = 9, तब जाके हमारे पास बनता है 89। ऐसा नहीं कि हमने 8 और 9 को मिलाया और हमारे पास नंबर बना, नहीं, ठीक है। कोई नंबर है जैसे 7, 8, 9, ठीक है, अगर हमें यह बताया जाए कि 7, 8, 9 तीन डिजिट्स हैं, इनसे आप 3 डिजिट नंबर बनाओ, और वो नंबर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 789। हम क्या करेंगे, जो 7 है ये 100 प्लेस पे होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 7 × 100, ठीक है, फिर प्लस 8 किसकी जगह पे होना चाहिए, टेंस की जगह पे, जो जिस जगह पे होना चाहिए उसको हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस 9 × 1, ये हमारे पास बन गया 700 + 80 + 9, ओके। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 789। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एन इज अ 2-डिजिट नंबर, पीएन इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, ऑफ एन एंड एसएन इज द सम ऑफ डिजिट, सम का मतलब होता है प्लस, एंड इफ हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, हमने वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है, या फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एन, एन का यूनिट डिजिट क्या है उसको हम फाइंड करेंगे। देखो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, एक 2-डिजिट नंबर है, 2-डिजिट नंबर मतलब एक टेंस पे होगा, एक यूनिट डिजिट पे होगा,
हम क्या लिखेंगे, लेट यूनिट डिजिट लिखो या वंस प्लेस पे लिखो, एक ही बात है, लेट द यूनिट डिजिट नंबर, मैं लिखता हूं एन और इसके ऊपर डॉट, तो ये भी नंबर होता है, लेट यूनिट डिजिट नंबर बी एक्स, इसको मैं एक्स लिखता हूं, और टेंस डिजिट नंबर बी वाई, ठीक है। अब नंबर कैसे फ्रेम होता है, नंबर फ्रेम होता है टू डिजिट नंबर की जब हम बात करते हैं, जो टेंस प्लेस पे होता है ना उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, ठीक है, याद करो अभी मैंने आपको बताया। तो यहां पे हमारे पास टेंस डिजिट कौन सा है, वाई है, ठीक है, हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय वाई, फिर हम करते थे प्लस जो यूनिट डिजिट पे होता था, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या है x है, इसको हम x लिखेंगे, तो हमारे पास नंबर बन जाएगा, और नंबर क्या है, वो n है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 10y प्लस x इज इक्वल टू n, इसको मैं लिखता हूं फर्स्ट, ओके। अब क्वेश्चन क्या कहता है, pn इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, pn क्या है, जो हमारे पास डिजिट है ना इनका प्रोडक्ट, यानी x हमारे पास यूनिट डिजिट है एंड y हमारे पास टेंस डिजिट है, तो pn हमारे पास क्या है, इनका प्रोडक्ट, मैं लिखता हूं pn, यानी xy, xy का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद sn हमारे पास क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, मैं लिखता हूं sn, सम यानी प्लस, x प्लस y, यही हमारे पास डिजिट है ना, जैसे ये हमारे पास है 45, ठीक है, ये हमारे पास है टेंस डिजिट, ये हमारे पास यूनिट डिजिट, अगर आपको कोई बोले इनका सम तो आप क्या करोगे, 4 प्लस 5, तो इसी तरह से यहां पे मैंने किया, कोई बोलेगा इनका प्रोडक्ट आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है ना, तो इसी तरह यहां पे भी मैंने किया, ओके। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एन इज इक्वल टू दिस, एन हमारे पास क्या है, ये तो एन मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास, मैं यहां पे लिखता हूं 10y प्लस x इज इक्वल टू pn, pn हमारे पास क्या है, x प्लस y, सॉरी pn मेरे पास है xy, xy प्लस sn मेरे पास क्या है, x प्लस y, x प्लस y, ओके। अब जो x प्लस y है इसको मैं इस साइड लाता हूं, जब यहां से ये अपनी जगह छोड़ते हैं यहां जाएंगे इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, यहां पे प्लस एक्स है यहां पे माइनस एक्स बनेगा, यहां पे प्लस वाई है यहां पे माइनस वाई बनेगा, लिखता हूं मैं 10y प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई, ओके। अब देखो ये एक्स कैंसिल हो गया, 10y माइनस वाई तो 9y इज इक्वल टू एक्स वाई, ओके। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये y और ये y कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, x हमारे पास आ गया 9, ठीक है। अगर ये आपको समझ नहीं आया कि ये क्यों कैंसिल हो गया, देखो इसको मैं यहां पे करता हूं, फिर 9y इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब देखो 9 और y को आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, जब बीच में कुछ नहीं होता ना इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो मैं लिखता हूं 9 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई, अब ये अपॉन में क्यों जाएगा, बिकॉज यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, यहां जाके क्या बनेगा, यहां जाके बनेगा ये डिवीजन में, ठीक है। अब ये और ये कैंसल, तो x इज इक्वल टू 9, वही मैंने यहां पे लिखा था x इज इक्वल टू 9। नाउ x हमारे पास क्या था, x हमारे पास था यूनिट डिजिट, हेंस हमने निकाल दिया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट हमारे पास है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर, जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ये सब आप जानते हो, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। उसके बाद होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर और साथ में जीरो, तो हमारे पास क्या बन जाता है, होल नंबर्स। इसी तरह से इंटीजर्स ना, जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, फिर जो इनके नेगेटिव आते हैं, जैसे 1 का नेगेटिव -1, फिर 2 का -2 एंड सो ऑन, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीजर्स, ओके। उसके बाद इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड होते हैं,
या आप सिंपल कहोगे जिनके एंड पे जीरो या टू या फोर या सिक्स या एट हो, इनमें से अगर कोई भी नंबर यूनिट डिजिट पे हो या वंस प्लेस पे हो, वो नंबर क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद ऑड नंबर, अब जो इवन नंबर नहीं होगा वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा, यानी जो कि टू से डिवाइड नहीं होंगे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अकाउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, नेमली इटसेल्फ एंड वन। जब एक नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हो, न दो से कम न दो से ज्यादा, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास टू है, टू के क्या फैक्टर है? देखो टू के हम फैक्टर निकालेंगे टू, टू वन जार टू, यानी टू वन, टू और वन इसके क्या है? फैक्टर है। इसी तरह थ्री के, फाइव के, सेवन के, इलेवन के, इन सब के क्या है? टू टू फैक्टर है। अब टू से कम भी नहीं होने चाहिए, जैसे हमारे पास वन है, वन का एक ही फैक्टर है वन, इसका मतलब जो वन है ना ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? टू है, और टू एक अकेला इवन प्राइम नंबर भी है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन, सॉरी इसको हम यहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज थ्री, यह भी आपको याद रखना है। अगर कभी कोई पूछे फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, वो थ्री है। फर्स्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर वो हमारे पास टू है, ठीक है। कुछ यहां पे फैक्ट्स हैं जो आप याद रखोगे तो अच्छा होगा। वन से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर हैं? नाइन, ठीक है। उसके बाद 25 से लेके 50 तक कितने हैं? सिक्स। उसके बाद 50 से लेके 100 तक कितने हैं? टेन। कभी कभार डायरेक्टली ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, अगर आपको याद होंगी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर से? सिर्फ 25। एंड 1 से लेके 1000 तक कितने हैं टोटल? 168। हम प्राइम नंबर को किस तरह से फाइंड करते हैं इसका मैं टेस्ट अभी आगे वीडियो में सिखाऊंगा। उसके बाद कंपोजिट नंबर। नाउ जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होंगे वन के अलावा, वो हमारे पास क्या होंगे? कंपोजिट नंबर, यानी जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। जैसे हमारे पास सिक्स है, सिक्स के कितने फैक्टर हैं निकालते हैं हम। देखो टू थ्री जार सिक्स, थ्री वन जार थ्री, तो हमारे पास आ गया टू थ्री एंड वन। देखो वन टू थ्री, यानी हमारे पास सिक्स के कितने फैक्टर हैं? थ्री फैक्टर्स हैं। इसका मतलब सिक्स हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर। ओके, यहां पे भी आपको याद रखना है द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज फोर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? फोर है। एंड द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, जो ऑड कंपोजिट नंबर है यानी कि जो ऑड नंबर है एंड सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, वो हमारे पास कौन सा है? नाइन है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको याद रखना है वन से लेके हंड्रेड तक कितने कंपोजिट नंबर है? 74। अब यहां पे देखो हमारे पास वन से लेके हंड्रेड तक कितने प्राइम नंबर है? 75। मैंने आपको बोला जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर, फिर तो आप ये कहोगे फिर तो हमारे पास कंपोजिट नंबर 75 होने चाहिए। नहीं, बिकॉज हमारे पास जो वन है ना, ना वो प्राइम नंबर है और ना वो कंपोजिट नंबर है, वो अपने आप में एक स्पेशल नंबर है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास वन से लेके हंड्रेड तक कितने कंपोजिट नंबर है? 74। इसी तरह से वन से लेके 1000 तक हमारे पास 831 कंपोजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट नंबर्स। नाउ परफेक्ट नंबर्स किसे कहते हैं? अ नंबर द सम ऑफ हूज फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर। जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे हम सिक्स के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, टू थ्री जार सिक्स, थ्री वन जार थ्री, कभी कभार ये पूछा जाता है इसलिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमारे पास आ गया टू इंटू थ्री इंटू वन, ठीक है। अब देखो यहां पे जब हम इनको ऐड करेंगे, टू प्लस थ्री प्लस वन, क्या आ गया हमारे पास? थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी इसके जो फैक्टर्स है ना,
इनको जब हम ऐड करेंगे हमारे पास अगर वो नंबर आ गया तो वो हमारे पास क्या हो गया, परफेक्ट नंबर। अब यहीं पे अगर हम 8 के फैक्टर निकालेंगे, देखो 8 के फैक्टर निकालो, 2 4 8, 2 2 4, ठीक है, 2 1 2। अगर आप इनको ऐड करोगे, देखो 2 + 2 + 2 + 1, हमारे पास क्या आ गया, 6 + 1 7, यानी 8 हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर सिर्फ वही नंबर्स हैं जब उनके फैक्टर्स आते हैं, उन फैक्टर्स को हम ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास वही नंबर आना चाहिए। लेकिन उस नंबर को हम खुद नहीं ऐड करेंगे, जैसे आप करोगे 6 + 0 तो आपके पास आएगा 6, नहीं ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उसके फैक्टर्स लेने हैं, खुद उस नंबर को नहीं लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, परफेक्ट नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है को प्राइम, या इसी को हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम्स। टू नंबर्स हूज एचसीएफ इज 1, दो नंबर जिनका एचसीएफ यानी एक ही कॉमन जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम्स या रिलेटिव प्राइम्स। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 और 5 है, ये हमारे पास क्या है, को प्राइम्स है। देखो हमारे पास 2 के क्या फैक्टर है, 2 × 2 × 1, और 5 × 5 × 1, यहां पे हमारे पास एक ही कॉमन है वो है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया आपस में, ये हमारे पास आपस में हो गए को प्राइम्स या रिलेटिवली प्राइम्स नंबर। यहां पे मैंने एग्जांपल ली है 8 और 9 की, ठीक है, ये भी आपस में क्या है, को प्राइम्स है। मैंने यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे 2 कॉन्जेक्टिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। जब हम 2 कॉन्जेक्टिव नेचुरल नंबर्स लेंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। जैसे 6 7 लो 8 9 लो, इनका फैक्टर निकालो, इनका फैक्टर हमेशा जो 1 है ना वो ही कॉमन आएगा। जैसे आप 12 13 या 14 15, इनका फैक्टर निकाल के देखो, हमेशा आपको 1 ही ऐसा मिलेगा जो कि कॉमन है। उसके बाद 2 कॉन्जेक्टिव ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर आप 2 कॉन्जेक्टिव ऑड नंबर्स लोगे ना, वो भी ऑलवेज क्या होंगे, को प्राइम होंगे। जैसे 3 और 2 और 3, ठीक है, या 3 5 या 5 7, या आप लो 15 17, ठीक है, जो भी आप कॉन्जेक्टिव ऑड नंबर्स लोगे ना, वो हमेशा आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, उसके बाद 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। और अगर आप 2 प्राइम नंबर लोगे, अब प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होते हैं, वो तो हमेशा क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। जैसे हमारे पास 7 और 13 है, ठीक है, या 13 और 23 है, ये हमारे पास क्या है, ये ऑलवेज क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्विन प्राइम्स। 2 प्राइम नंबर्स हूज डिफरेंस इज 2, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस यानी माइनस करके 2 आए, उनको हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स। जैसे ये हमारे पास 3 और 5 है, 5 - 3 क्या गया, 2, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, 3 और 5 हमारे पास ट्विन प्राइम्स हैं, या 11 और 13, ठीक है, इनको आप माइनस करो, हमारे पास 2 आएगा। या आप लो 19 और 23, क्या ये ट्विन प्राइम है, नहीं, बिकॉज इनका जब हम माइनस करेंगे वो 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 5 5 7 और 11 13 हमारे पास क्या है, ट्विन प्राइम्स है। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यूज आर इंटीजर्स। ये आपको याद रखना है, पी एंड क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 / 7, या 8 / 3, या 1 / 2। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या 0 रैशनल नंबर है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, क्या 0 रैशनल नंबर है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल वुड बी इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म। ऐसे नंबर्स जब हम उनको डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे ना, यानी पॉइंट में जब हम उनको
एक्सप्रेस करेंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। जैसे हमारे पास है 3.1234, इसी तरह से आगे चलता रहेगा, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। जैसे हमारे पास √2, ठीक है, √3 या √5, ठीक है, √7 या हमारे पास पाई, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स। बिकॉज जब हम इनको डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कभी खत्म ही नहीं हो रहे, एंड नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। पहला हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से कौन से नंबर डिविजिबल है, सिंपल आपको याद रखने हैं, जितने भी इवन नंबर्स है ना वो किससे डिविजिबल है, 2 से, यानी जिनकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8 हो, ठीक है, इनमें से अगर कोई सा भी डिजिट यूनिट प्लेस पे हो वो नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है। जैसे हमारे पास 1111 3 9 5 7 8, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक कोई भी नंबर जो है इनमें से नहीं है, लेकिन यूनिट प्लेस पे 8 है, हम ये कह सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप बता सकते हो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है। दूसरा हमारे पास है 2 4 6 8 0 1। देखो यहां से यहां तक सारे इवन नंबर्स हैं, लेकिन यूनिट डिजिट जहां हमें जरूरत है वहां अगर इनमें से कोई नंबर नहीं है तो ये नंबर किसी काम का नहीं है, मतलब ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहां पे आपने क्या याद रखा, 2 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई सा भी डिजिट होना वो नंबर क्या होगा, वो 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको मैं आपको समझाता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमारे पास 27 है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा 27 3 से डिवाइड होता है, हम क्या करते हैं, इनके जो डिजिट है ना उनको हम प्लस करते हैं, जैसे 2 + 7 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या ये जो 9 है ये 3 से डिवाइड होता है। देखो 3 3 = 9, इसका मतलब 9 हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ना ये पूरा नंबर इस 3 से डिवाइड होगा, ओके। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं बड़ा नंबर 4 7 9 3, ठीक है। अब देखो हमें चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। आप यहां पे इस चक्कर में मत पड़ना कि यहां पे यूनिट डिजिट पे 3 है तो 3 से होगा, नहीं, इनको आपने प्लस करना है, 4 + 9 + 7 + 3, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या आएगा, 7 + 3 10 19 and 4 23, ठीक है। अब मुझे आप बताओ क्या 23 3 से डिवाइड होता है, आप 3 का टेबल पढ़ो कहीं पे भी आपको 23 नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हम नंबर लेंगे 4 9 7 3 और 1, ठीक है। अब देखो फिर से आप प्लस करो, 4 + 9 + 7 + 3 + 1, अब क्या बनेगा हमारे पास, देखो 7 + 3 10 10 + 9 + 1 ये भी 10 बनेगा, फिर 24, ठीक हो, ठीक है। अब देखो 3 का टेबल पढ़ो, 8 3 = 24 हो रहा डिवाइड, इसका मतलब ये जो नंबर है ना ये पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। सिंपल आपने क्या याद रखा, जब भी हम 3 से चेक करते हैं हम उन डिजिट्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सेम आपको अप्लाई करना है डिविजिबिलिटी बाय 9, बिल्कुल सेम, सिर्फ यहां पे आपको देखना है क्या वो 9 से होता है, यहां पे आप देखते थे क्या वो 3 से होता है, यहां पे आपने देखना है क्या वो 9 से होता है। जैसे हम 27 से स्टार्ट करते हैं, देखो 27, ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है, 2 + 7 कितना होता है 9, तो 9 से हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है।
दूसरा आप लो 4, 9, 3, 7 एंड 4, ये कोई दूसरा नंबर लो आप, ठीक है। अब क्या करो, इसको प्लस करो, 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4, ओके। तो करो, ये हमारे पास कितना बनेगा, सॉरी देखो 9 प्लस 3 कितना होता है 13, 14, 15, 16, ठीक है, 16 प्लस 4 20 प्लस 7 27, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 9 से 27 होता है, बिल्कुल होता है, 9 3 27, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। क्या याद रखा, डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9, बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहां पे आपने देखना है क्या 3 से होता है, यहां पे आपने देखना है क्या 9 से होता है, दोनों में आपने क्या करना है, प्लस करना है। इसी तरह से अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। अब हम 4 से कैसे चेक करते हैं, लेट अस सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है 524, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके जो यूनिट एंड टेंस डिजिट है ना, यानी ये वाले दो, ठीक है, इनको हम लेते हैं और इनको हम चेक करते हैं। जैसे 24, हम देखेंगे क्या 24 4 से हो रहा है, तो बिल्कुल देखो होता है ना, 6 4 24, इसका मतलब 524 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक और नंबर लो आप, उसके बाद लो ये, सिर्फ आपने ये वाला देखना है, अगर जो टेंस है एंड वंस प्लेस पे अगर ये हो रहा है, अब ये लो देखो 28 4 से हो रहा, तो ये पूरा नंबर जो है किससे होगा, 4 से डिवाइड होगा। बहुत ही सिंपल है, आपने ये वाले दो नंबर देखने हैं, चाहे फिर नंबर कितना बड़ा हो, आपको उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसी तरह से हम डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करते हैं। सिर्फ 8 में हम क्या करते हैं, हम 3 डिजिट्स को लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक नंबर लेता हूं 1 6 7 8 9 3 5 2, ठीक है, ये एक नंबर है। आपसे पूछा जाए क्या ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, आपने क्या करना है, इस पूरे नंबर को नहीं लेना है, सिर्फ इन 3 डिजिट्स को लेना है। जैसे 4 में हम सिर्फ 2 डिजिट लेते थे और 8 में हम 3 डिजिट्स को लेते हैं। आप क्या करो 352, इसको फटाफट से चेक करो क्या ये 8 से होता है या नहीं होता है। देखो 8 4 32, हमारे पास कितना बचा 3 32 8 4 32, ठीक है, तो हो गया कंप्लीट। इसका मतलब ये जो पूरा इतना बड़ा नंबर है ना, ये 8 से डिवाइड होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है 17, ठीक है, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 5। बहुत ही सिंपल है, 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, सिंपल कोई भी नंबर हो, जैसे 1 7 8 1 3 0, तो 0 यूनिट डिजिट पे है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। दूसरा नंबर लो 7 1 8 1 1 1 और 5, सिर्फ यहां पे आपने देखना है, पीछे कुछ भी हो, जैसे यहां पे मैं लेता हूं 5 5 5 0 0 0 और लास्ट पे 1, हमारे काम का नहीं है, बिकॉज यहां पे हमें चाहिए 5, यहां पे या तो 5 चाहिए या तो 0 चाहिए, अगर होगा तो वो किससे होगा, वो डिवाइड होगा 5 से, ओके। और जब हम 6 से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, तो हम देखते हैं क्या नंबर 2 एंड 3 से होता है, फिर जाके वो 6 से होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 36 है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये नंबर 2 से होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है, ओके। उसके बाद 3 से हम चेक करते हैं, 3 प्लस 6, ठीक है, तो 9, तो 9 3 से होता है, इसका मतलब ये हमारे पास 2 से भी हो रहा है एंड 3 से भी हो रहा है, जब 2 3 से होगा तो 6 से भी होगा, इसका मतलब 36 किससे होगा, 6 से भी होगा। कोई और नंबर लेता हूं मैं, जैसे 4 5 1 9 2, इसको हम चेक करते हैं 2 से होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है 2 है। अब मैं चेक करता हूं क्या ये 3 से होगा, हम लिखते हैं 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 5 9 प्लस 10, तो कितना हो गया 19 21, ठीक है। अब देखो 3 से भी हो रहा है 21,
थ्री से भी हो रहा है एंड टू से भी हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास सिक्स से भी डिवाइड होगा। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? बहुत ही सिंपल है, जिसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, जीरो होगा। जैसे हमारे पास 10 है, या 10 से डिवाइड होता है 100 है, 200 है, 300 है, या 400, इसी तरह से बढ़ाओ जितने मर्जी जीरो बढ़ाओ, सिर्फ यूनिट डिजिट पे एक जीरो होगा, जैसे 1111। तो किससे होगा? ये 10 से डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 11। नाउ 11 से हम किस तरह से चेक करते हैं 11 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 7, 8, 9, 1, 2, ठीक है, मैं क्या करूंगा, जो इसके ऑड प्लेसेस पे नंबर है ना उनको प्लस करूंगा। देखो ये ऑड प्लेस पे है, फिर ये इनको मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, यानी 7 + 9 + 2। उसके बाद माइनस, जो इवन प्लेस पे है उनको मैं माइनस कर दूंगा, यानी आपस में तो प्लस करना है लेकिन इससे माइनस करना है, यानी 8 + 1, ऐसे 8 + 1। ओके, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 9 + 2 11, 11 + 7 18, माइनस 8 + 1 9, तो हमारे पास क्या आएगा 9। ठीक है, अब ये जो 9 है क्या ये 11 से होता है? नहीं, इसका मतलब ये नंबर हमारे पास जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, यहां पे मैं एक और नंबर लेता हूं, नंबर हमारे पास है 2, 9, 4, 3, 5, 4, 1, 7। इसको हमने चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। देखो कितना बड़ा नंबर है, लेकिन इससे हमें डरना नहीं है। हमने क्या करना है, जो भी पहले ऑड प्लेस पे है, यानी 7, फिर 4, फिर 3, फिर 9, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 9 + 3 + 4 + 7। ओके, फिर माइनस, अब जो इवन प्लेस पे है 1, 5, 4 and 2, मैं लिखता हूं 2 + 4 + 5 + 1। ओके, इनको प्लस करो, जब हम इनको प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 23। ओके, माइनस, इनको प्लस करो 4 + 5 = 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 11। ठीक है, अब देखो 11 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ना ये 11 से डिवाइड होगा। ओके, अगर हमारे पास यहां पे जीरो आया तब भी, बिकॉज जीरो तो हर एक से होता है, जैसे 11 × 0 तो जीरो, कुछ भी करो आप, जीरो जो है ना ये एक ऐसा नंबर है ये हर एक से डिवाइड होता है, जैसे 2 से 2 × 0 तब भी, 3 से 3 × 0, कुछ भी करो मल्टीप्लाई करोगे जीरो के साथ वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, इसलिए या 11 या जीरो। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है 7, 13, 17, 19 and 23। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको क्या करना है, एक ट्रिक आपको मैं सिखाता हूं, आपने लिखना है 7 और इसके साथ में आप लिखो -2, ठीक है, 13 और साथ में लिखो +4। अब ये क्यों लिख रहे हो, पहले आप सिर्फ देखो, और यहां पे 17 - 5 साथ में, फिर 19 और इसके साथ +2, फिर 23 और साथ में आपने लिखना है +7, ठीक है। अब देखो पहले याद रखो आप -, +, -, +, and +, ठीक है। अब क्या करना है आपको मैं सिखाता हूं कि 7 से हम किस तरह से चेक करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 343, आपने क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पे है ना इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है, और बाकी जो नंबर बचेगा इससे माइनस करना है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा -2, यानी इसके बाद जो नंबर बचा 34, फिर आपने क्या करना है माइनस, और जो इसका यूनिट डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करो इस 2 के साथ, 3 × 2 = 6। अब इसको करो हमारे पास क्या बचेगा 28। अब देखो क्या 28 7 से होता है, बिल्कुल होता है, 7 × 4 = 28, तो हम ये कह सकते हैं 343 7 से डिवाइड होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास नंबर है 4585,
अब ये चेक करो क्या ये 7 से होगा। आपने क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी जो बचेगा 458 माइनस 5 टू जार 10, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 448। ठीक है, अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है क्या ये 7 से होगा नहीं होगा, तो इसको फिर इधर लिखो, आप लिखो इधर 448। ठीक है, फिर आप वही प्रोसीजर फॉलो करो, जो इसका यूनिट डिजिट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी बचा 44 माइनस 8 टू जार 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 28। अब आपको पता चल चुका है कि 7 4 जार 28, हेंस हम ये कह सकते हैं 4585 जो नंबर है ये 7 से डिवाइड होता है। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। इसी तरह से मैं अब चेक करूंगा 17 से। ठीक है, नाउ 17 से कैसे करना है, यहां पे मैं लिखता हूं, कोई नंबर लिखता हूं 782। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो इसका जो यूनिट डिजिट है ना बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 5 के साथ। ठीक है, तो 78 यहां पे मैंने माइनस लिखा है तो माइनस 5 2 जार 10। ठीक है, हमारे पास बच गया 68। फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है क्या ये हो रहा है 17 से नहीं, तो फिर आप लिखो 68। फिर आप क्या करो, जो इसका ये वाला है पोर्शन इसको इधर लाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास बचेगा 6 8 5 जार 40। ठीक है, आपके पास बच गया -34। नाउ आप जानते हो 17 2 जार 34, माइनस की आपको टेंशन नहीं रखनी है। ठीक है, 17 2 जार 34, हेंस हम ये कह सकते हैं 782 ये जो है डिविजिबल है किससे, 17 से। ओके, इसी तरह से आपने बाकी नंबर्स का भी चेक करना है। 13 के लिए आपको 4 के जो यूनिट डिजिट है उसको 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन प्लस करना है। यहां पे हमने क्या किया, माइनस, यहां पे प्लस, जहां पे मैंने प्लस लिखा है वहां पे आपको क्या करना है, प्लस करना है, जहां पे मैंने माइनस लिखा है वहां पे आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जब आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना ये आपको याद रह जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है जिसके रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये कहता क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय पी एज वेल एज बाय क्यू, अगर कोई नंबर है जो पी से भी डिवाइड होता है एंड क्यू से भी डिवाइड होता है, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स, जहां पे पी एंड क्यू क्या है, कोप्राइम है, यानी इनका जो कॉमन फैक्टर है ना वो सिर्फ 1 है, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय पी क्यू, उस केस में जो गिवन नंबर है वो पी क्यू से भी डिवाइड होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लेट अस सपोज दैट हमारे पास 36 एक नंबर है। ठीक है, अब ये जो 36 है ये 2 से भी डिवाइड होता है, बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, एंड ये 3 से भी डिवाइड होता है, बिकॉज 6 प्लस 3 3 प्लस 6 9। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है, फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 2 जार 6, तो ये जो नंबर है ना ये 6 से भी डिवाइड होता है, यही ये कॉन्सेप्ट कहता है। ओके, नाउ इसके रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं यहां पे, जैसे 6 का मैंने आपको समझाया, इसी तरह से 12, अगर कोई 3 एंड 4 से डिवाइड होता है फिर इसके मल्टीप्लाई से भी, यानी 3 4 जार 12, वो किससे होगा, वो 12 से भी होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई 3 से भी होता है, कोई 5 से भी डिवाइड होता है, वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 3 जार 15, यानी 15 से भी डिवाइड होगा। सिर्फ यहां पे एक ही शर्त है, ये आपस में क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए, यानी आपस में इनका जो कॉमन फैक्टर है ना वो सिर्फ 1 होना चाहिए। इस तरह से यहां पे मैंने लिखे हैं, जैसे 5 एंड 16 आपस में कोप्राइम है, फिर इनको मल्टीप्लाई करो उस नंबर से भी वो नंबर डिवाइड होगा। ओके, ये था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट फॉर अ नंबर टू बी प्राइम, हम कैसे चेक करेंगे कोई नंबर आइदर प्राइम है या कंपोजिट है। अक्सर एग्जामिनेशन में 1 से लेके 1000 के बीच में कोई नंबर दिया जाता है और पूछे जाते हैं इनमें से कौन से प्राइम नंबर है। ठीक है, सो ये टेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये टेस्ट क्या कहता है, लेट p
पी बी अ गिवन नंबर एंड लेट एन बी द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर सच दैट लेट पी बी द गिवन नंबर. जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल ली है, लेट अस सपोज दैट 137 कोई गिवन नंबर है. हमने क्या करना है, इसके बड़ा ये जो 137 है इससे बड़ा हमने कोई परफेक्ट स्क्वायर देखना है. अभी आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी परफेक्ट स्क्वायर देखने में, लेकिन जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे फिर आराम से आप निकाल सकते हो 137 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है. ऑलमोस्ट 1 से लेके 1000 तक आपको सभी जो परफेक्ट स्क्वायर है वो याद हो जाएंगे. मैं आपको याद कराऊंगा, इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है. अब ये टेस्ट क्या कहता है, आपने इससे बड़ा कोई क्या देखना है, परफेक्ट स्क्वायर देखना है, ठीक है. तो इससे बड़ा हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 144, ठीक है. अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 12 का. तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है, ओके. उसके बाद आपने क्या करना है, 12 से नीचे जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है ना वो लिखने हैं. अब मुझे आप बताओ जरा 12 से नीचे कौन कौन सा प्राइम नंबर है. वो हमारे पास है 2, 3, 5, 7 एंड 11, ठीक है, ओके. अब आपको क्या करना है, जो अभी तक हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े उनका आपको यहां पे टेस्ट होगा. तभी मैंने पहले आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाया, फिर जाके मैंने आपको ये सिखाने जा रहा हूं. अब आपको क्या करना है, अब ये जो हमारे पास नंबर है ना इनसे हमने चेक करना है, जो हमारे पास गिवन नंबर है यानी 137, क्या इनमें से कोई है जो 137 को डिवाइड करता है. देखो 2 डिवाइड करेगा नहीं, बिकॉज यूनिट डिजिट पे ना तो 0 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 4 है, ना 8 है, ठीक है. इसका मतलब यहां से इसका खाता खत्म. उसके बाद 3 से हम चेक करेंगे, 3 से कैसे चेक करते हैं, 1 + 3 + 7, 7 + 3 = 10, 11, 11, तो 11 3 से होगा नहीं होगा. इसी तरह से 5 से होगा, यूनिट डिजिट पे 0 एंड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, नहीं होगा. उसके बाद 7 से कैसे चेक करते हैं, 137 हम क्या करेंगे, ये 13 लिखेंगे, फिर 7 के साथ हम -2 लिखते हैं. लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, मतलब इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -14 हमारे पास 1 आएगा. क्या 1 होता है 7 से, नहीं होता है, ओके, तो 7 से भी खत्म. उसके बाद 11 से हम कैसे चेक करते हैं, देखो जो हमारे पास ऑड प्लेस पे उनको हम प्लस करते हैं, 7 + 1, ठीक है, फिर जो इवन प्लेस पे, इवन पे एक ही है, तो हमारे पास 7 + 1 = 8, -3 तो हमारे पास क्या आया, 5 आया, ठीक है. तो ये इससे भी नहीं हो रहा है, ओके. जब आपके जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उनको आप 2-3 बार रिवाइज करोगे फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, आप उनको फिर टिप्स पे कर दोगे. अब देखो ये जो 137 है इनमें से किसी से भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है 137 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ओके. तो इस तरह से आपने बाकी भी चेक करने हैं. यहां पे मैं आप 811 को ट्राई करूंगा, ठीक है. नाउ हमारे पास है 811, ठीक है. अब आपने क्या करना है, इसके आसपास यानी इससे बड़ा आपने कोई परफेक्ट स्क्वायर देखना है, ठीक है. नाउ इससे बड़ा हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है ना वो है 841, ठीक है. यह अभी मैं आपको याद कराऊंगा, अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप घबरा मत जाना कैसे कैसे होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है आपको याद कराना, ठीक है. नाउ इससे बड़ा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 841, किसका है, ये 29 का, ठीक है. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 29 का स्क्वायर, ठीक है. अब आपने क्या करना है, आपने 29 से नीचे सारे क्या करने हैं, जो प्राइम नंबर है वो लिखने हैं. अब 29 से छोटे हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29, ठीक है. अब ये 29 यहां पे है तो इससे नीचे, ठीक है. अब आपने क्या करना है, इससे चेक करना है क्या 811 होगा या नहीं होगा. देखो 2 से होगा नहीं होगा, उसके बाद 3 से, 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 10, इसका मतलब 3 से भी नहीं, 5 से होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना ही 0 है ना ही 5 यूनिट प्लेस पे है,
उसके बाद सेवन से चेक करो, फटाफट करो। ठीक है, क्या करते हैं हम सेवन से, हम जो है 81 लिखेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 79। ठीक है, क्या 79 7 से होता है, पढ़ो जरा टेबल, नहीं होगा। ओके, तो इससे भी खत्म। 11 से ट्राई करो, हमारे पास है 811, करो इनको प्लस, 8 प्लस 1 फिर इवन प्लेस पे ये वाला 1। ठीक है, 8 प्लस 1 कितना होता है 9, 9 माइनस 1 8। ठीक है, तो 11 से भी नहीं होगा। इसी तरह से 13 से करो, 13 से चेक जरा 811। कैसे 13 से चेक करते हैं, 13 के साथ क्या होता है प्लस 4, होता है कि नहीं होता है। ओके, देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 81 फिर इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे लेकिन, ओके 4 वन जा 4 तो हमारे पास 85। ठीक है, नहीं पता चल रहा है फिर ट्राई करो जरा 85। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, 8 प्लस इसको और इसको कर दो। ठीक है, तो हमारे पास 85 जा 48। पढ़ो जरा 3 का टेबल, 13 का टेबल, 13 के टेबल में 48 नहीं आएगा, इसका मतलब 13 से भी नहीं होता है। अब चेक करो, 17 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा एंड 23 से नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास 811 क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इन तीनों को चेक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, आपने बताना है क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। उसके बाद एक और चीज जो आपको याद रखनी है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या मतलब होता है, इनक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, जैसे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, यानी पहले छोटा फिर बड़ा। फिर यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग, इसको आपने किस तरह से याद रखना है, डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, बड़े से छोटा, जैसे हम बड़ा लिखेंगे 10 फिर 7 फिर 3 फिर 1, ये हमारे पास क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, उसके बाद लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर कौन सा है, वो हमारे पास है 99। ओके, एंड हाउ मेनी टू डिजिट्स आर पॉसिबल, कितने टू डिजिट्स पॉसिबल हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो हमारे पास सबसे बड़ा टू डिजिट है ना, फिर माइनस, इससे पहले क्या आते हैं, इससे पहले हमारे पास आते हैं वन डिजिट, क्योंकि टू डिजिट से पहले आता है वन डिजिट, तो वन डिजिट में सबसे बड़ा है 9, तो इनको करो 90। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 90 हमारे पास क्या है, टू डिजिट नंबर्स हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई बताए थ्री डिजिट्स, तो आपने लिखना है थ्री डिजिट में सबसे बड़ा, माइनस इससे पहले क्या आते हैं टू डिजिट, तो उसका भी बड़ा, तो हमारे पास बन गया 900। ठीक है, इसी तरह से अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है फोर डिजिट एंड फाइव डिजिट कितने पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह से नंबरिंग आपने देनी है और आंसर लिखने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं, वहीं पे मैं आपके आंसर चेक करूंगा। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।